दोस्तों जॉन विक और एक्सट्रैक्शन जैसी मूवी तो आप सभी ने देख चुकी होंगी, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्शन मूवीज के बारे में जिनकी एक्शन एक्टिविटी देखने के बाद सच में आपकी आंखें खुली की खुली रहने वाली है। और जिन्हें भी एक्शन मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है उनके लिए आज का ये काउंटडाउन सच में एक मास्टरपीस काउंटडाउन होने वाला है। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, लिटिल डिक्स। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है डॉग से जो कि इलीगल काम कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही उसकी बेटी को कुछ गैंगस्टर किडनैप कर लेते हैं और डॉग किसी भी तरह से अपने बेटी को उन गैंगस्टर के हाथों से छुड़ाना चाहता है। और डॉग अपने इस काम को किस तरह पूरा करता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसकी IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 9, वायलेंट नाइट। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों आपने सेंटा क्लॉस के बारे में तो सुना ही होगा, एक मोटा सा आदमी जो कि लोगों को बहुत सारे गिफ्ट देकर जाता है वो भी क्रिसमस के दिन, लेकिन ये सेंटा क्लॉस बहुत ही ज्यादा अलग है। इस सेंटा क्लॉस को आप एक अच्छा खासा एक्शन में देखने वाले हैं, यानी कि अचानक से ही एक घर में कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं और सेंटा क्लॉस उन सभी लोगों को किस तरह उन गैंगस्टर के हाथों से बचाते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। नंबर 8, लव। मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है लव नाम के एक ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर से जो कि अपनी लाइफ बड़ी ही अकेले बिता रही होती है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही उसके एरिया में कुछ गैंगस्टर की गतिविधियां दिखाई जाती हैं और लव किसी भी तरह से उन गैंगस्टर का सफाया कर देना चाहती है। और लास्ट तक लव अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। नंबर 7, सर्कल लाइन। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है लिंग से जो कि अपनी बेटी के साथ ट्रेन में ट्रेवल कर रही होती है, लेकिन उसी ट्रेन में अचानक से ही एक क्रिएचर हमला कर देता है और लिंग अपनी बेटी को किस तरह बचाती है उस क्रिएचर के हाथ से यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 6, हेडशॉट। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है कैटरीना नाम की एक लड़की से जो कि प्रेग्नेंट रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी दुश्मन रहते हैं जो कि उसके ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी बच्ची मारी जाती है, लेकिन कैटरीना उन सभी से अपना बदला लेना चाहती है। और कैटरीना उन सभी से अपना बदला किस तरह लेती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं स्काई सिनेमा पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.5। नंबर 5, डेमोक्रेसिस टाइम। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड वॉर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है दो ईरानी से जो कि एक खतरनाक मिशन पर जाते हैं जो कि रिलेटेड रहती है सीरियन सिटी में जहां पर टेररिस्ट का राज रहता है, लेकिन इसी बीच दो ईरानी किस तरह उस मिशन को कंप्लीट करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.3। नंबर 4, एम्बुश। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड वॉर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है US आर्मी से जिसे एक खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है वियतनाम, लेकिन वियतनाम जाते ही उनकी मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लास्ट तक ये सभी सोल्जर्स किस तरह वहाँ से बाहर निकलते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5। नंबर 3, रिवेल। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है दो भाई से जो कि एक खतरनाक जंग के हिस्से बन जाते हैं, लेकिन उस जंग से वो किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना चाहते हैं, और लास्ट तक वो दोनों भाई इस वॉर से किस तरह बाहर निकलते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं मूवी ओरिजिनल पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 2, शॉटगन वेडिंग। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है जेसी नाम की एक लड़की से जो कि शादी करने के लिए तैयार रहती है और शादी करने के लिए वो एक छोटे से आइलैंड में पहुंचती है, लेकिन आइलैंड में पहुंचते ही उसका सामना कुछ खतरनाक गुंडों से होता है और उन गुंडों से वो किस तरह निपटती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4।
नंबर वन फ्यूरियस मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है तीन ऐसे लड़कियों से जो कि पैसे लेकर गैंगस्टरों का सफाया कर रही होती है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही उनकी लाइफ बदल जाती है जिस दिन से उसकी एक साथी मारी जाती है। दूसरी ही तरफ उसके दोनों साथी उन सभी गैंगस्टर से बदला लेना चाहते हैं जो कि उनके एक साथी को मार चुके होते हैं, और लास्ट तक ये सभी अपना रिवेंज किस तरह लेते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसका IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।